राइट, तो कैसा रहा लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत टाइम बाद ब्लॉगर यार, पता है। तो पहले मिले मेरी बहन जीनिया, जीनिया और इसको तो आप जानते ही हो, है ना। ठीक है, तो अभी जो है वो हमारा ना कुणाल की गाड़ी का क्या हो रहा है, शूट हो रहा है, उसका शूट हो रहा है, रिव्यू हो रहा है गाड़ी का, जो कि हमारे भाई शिवम ब्लॉग और एक बन्नी सिंह कर रहे हैं। ठीक है, यो यो बूम यो बादशाह। रिव्यू से पहले भाई देखो, ये अपनी वेन्यू 2022, ठीक है। और इसका बहुत लोगों ने रिव्यू करने के लिए बोला है, जो है इस गाड़ी का बहुत लोगों ने रिव्यू करने के लिए बोला है, लेकिन हम नहीं कराएंगे बिकॉज अभी इसमें और भी काम। ठीक है, तो इसमें 17 इंच अलॉय है, दोनों बताओ स्प्लिटर्स लगे आगे पीछे, लोगों ने आगे के लगवा रखे, पीछे के नहीं लगवा रखे, मैंने साइड में स्प्लिटर लगवा रखे। और V2 स्पॉइलर है, काले शीशे इसके हमेशा रहते हैं भाई, काले शीशे नहीं हटेंगे जो कि। और हट जाओ मेरी इंजन जरूर, देखो एक बाइक वो आ रही, वो भी दिखाते हैं, उसको भी बताते हैं क्या है क्या नहीं है। और इस गाड़ी का रिव्यू इसलिए नहीं कराते क्योंकि इसमें बहुत सारे काम थे, अभी मॉडिफिकेशन थे जो कि इंटरनल करवाएंगे हम, से शूट यूड हो गया और वेल्वेट टॉनिक हो गया, पॉप्स एंड बैंक्स हो गए, बहुत चीज़ें कराएंगे। ठीक है, तो अभी इस गाड़ी का मुझे बताते हैं और तुम्हें बाइक दिखाते हैं भाई क्या क्या है उस बाइक के अंदर। चलो, ठीक है, बहुत बाइकें देखी है, ये वन ऑफ द यूनिक बाइक्स हो गई। देखो इसके अंदर बाइक का रखा है स्पाइडरमैन का, शू शू शू, ये हमारे भाई की बाइक है और कावासाकी जो मैंने बताई है उन भाई की बाइक है, अभी बढ़िया बताएंगे। ठीक है, और भाई का ब्लॉग भी है, हां इतना लाउड है जो इसका भी किसी का पक्का, भाई देख लो भाई कह रहा है लाउडेस्ट कावासाकी है ये। ठीक है, अभी चेक करेंगे क्यों है क्या है। ठीक है, बाकी भाई कितना खर्च होगा आपकी बाइक पे, मेरी बाइक कितना आएगा, 3,500 रुपए लग गए। देखा भाई, मतलब इतने लॉयल है कि बता रहे हैं ना, लोगों से पूछ लो भाई हमारा 15,000-20,000 रुपए का रहा था, ऐसे करके बोलना चाहते, सच्चाई बताओ ज्यादा बता भी क्या करोगे। हाँ, बाकी कमेंट में जरूर बताना भाई का हेयरस्टाइल कैसा लग रहा है भाई, एक बार कर दो यो यो पाजिसा। तो ठीक है यार, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मिल ही चुके हैं हम पहले भी ब्लॉग में कुणाल भाई अपने। yes. जी, मैं तो ऐसे बहुत टाइम बाद मिला हूँ भाई से। और अब बताते हैं इस गाड़ी की वो चीज़ें जो ब्रांड न्यू हमने करवाई हैं, क्योंकि लोगों ने पहले देख लिया भाई, एग्जॉस्ट वगैरह सब ये आम भी हो चुके हैं ना, हर कोई अब गाड़ियों में कराने भी लग गए हैं। हाँ, बट अब वो चीज़ें बता भाई जो गाड़ी में यूनिक है और किसी गाड़ी में नहीं और नहीं हुई है, जो लोगों ने अभी तक देखी नहीं। एंटीना पे कार्बन फाइबर। अच्छा, अरे यार, मतलब बहुत यूनिक सा हो गया है ना, कि मतलब छोटी छोटी चीजों पे काम करा है इस बार, है ना। और ये, हाँ ठीक है, रैप, हाँ, ये कलर कौन सा है, 2023, मतलब ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, नाडो ग्रे रैप है और हाँ। ओके, तो ये नाडो ग्रे कलर है। ठीक है, और किसी बलिनो पे नहीं है, बिल्कुल गारंटेड बैटमैन स्पॉइलर जो है। ठीक है, क्या कॉस्ट आई इसकी रैप की, 20,000 के आसपास। और V2 स्पॉइलर, V2 नहीं है ये, बैटमैन स्पॉइलर है। अच्छा ठीक है, बैटमैन, हाँ वो उस पे है, मेरी वाली पे है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ यार कि ऑल ओवर कॉस्ट इसकी रैप ये करवाया, और क्या करवाया था, पूरी गाड़ी डिक्रोम, हाँ, यहाँ पे डेंट था। ठीक है, निकलवाया था यहाँ पे डेंट था। अच्छा, मतलब पूरी कॉस्टिंग जो थी 40,000 रुपए के आसपास दी थी, क्योंकि मैंने जो सारी चीजें है ना, ठीक है, बहुत हाई एंड पेंट करवाया ग्लॉस के अंदर स्पार्कल्स के साथ। हाँ, मतलब ये काफी जगह का करवाया, जैसे यहाँ पे करवाया दिख रहा है ये, हाँ, उसके बाद ये रैप हुआ है, हाँ, सारा, ठीक है, ये भी पेंट है, ठीक है ना, उसके बाद ग्रिल के ऊपर भी एक बार पेंट मरवाया था ताकि मैच हो जाए, हाँ, ये भी पेंट, ये भी उधर का भी। तो ये स्पॉइलर जो है दोबारा शायद चेंज कराए तुमने, है ना, स्प्लिटर सारे चेंज करवाए हैं, पिछले वाले में वाइट नहीं थे। अच्छा, स्प्लिटर चेंज करवा दिए सारे, सारे बिल्कुल नए, ठीक है। और टायर का क्या यार, पिछले व्लॉग में हमने टायर का दिखा दिए थे कौन से लगे हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस बताओ थोड़ी। 225/40/18 है मेरे, 45 भी नहीं है, 40 है, उससे भी कम। अच्छा, और अलॉय कितनी इंच है, 18 इंच नियो व्हील्स, ठीक है, और टायर है चाइनीज आएगा ऑब्वियसली, ब्रांडेड आएंगे, हां, तो टायर है मेरा ट्रायंगल का, ठीक है। और क्या इसकी कॉस्ट पड़ गई थी, और ये यार 70,000 रुपए के अलॉय टायर, ठीक है, ये यार लगती नहीं है, देखियो यहाँ पे, अगर हम जैसे 18 इंच करे हैं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इसके आते हैं 15, 16, 17, 18, 3 इंच बलिनो ली थी स्विफ्ट की जगह, हाँ, ये स्विफ्ट में नहीं मिलता स्पेस। अच्छा, मर्जी गड्ढों में मालूम नहीं लगेगी, आगे भी मालूम जितनी मर्जी गड्ढों में नहीं लगेगी। अच्छा, और मैं अगर इसको 17 इंच अंदर करके लो करवाता हूं ना, हाँ, तो जेडीएम स्टाइल लुक देगी। तो माइलेज में कोई फर्क, हाँ, कितना, जितनी नॉर्मल पेट्रोल पे देती है ना, हाँ, बलिनो एवरेज, हाँ, मतलब 15, 14, 13, हाँ, से भी कम शायद मेरी सीएनजी पे दे रही है। अच्छा, इसमें कंपनी फिटेड है ना, पहले यार लोगों का मैं एक जो थोड़ा है ना कि भाई इसके अंदर ये बलिनो 2023 है, ठीक है, और इसके अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी है, ये देखो, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि आफ्टर मार्केट लगवा रखी है यार, बंदे ने बंदे पे खर्चा नहीं उठा उठ पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसने एक्चुअल में जो पैसा खर्च करा है सीएनजी के लिए, ठीक है, और वो भी अब इसकी माइलेज नहीं दे रही, फिर भी वो बंदा चला रहा है, तो शौक है ये भी एक तरह से। 24 मार्च में सीएनजी हट जाएगी, हाँ, उसके बाद थोड़ा इंजन पे जाएंगे, हाँ, है ना, और थोड़े सिस्टम पे आएंगे,
मतलब अभी भी बहुत है जैसे हम अभी सुन रहे थे, हजार आरएमएस ठीक है पूरी ट्यून्ड एनक्लोजर। तो यार इतना काम बलिनो में अपनी में हुआ है, इसको मेरे ख्याल से ज्यादा महीने नहीं हुए, ये मार्च कब आएगी, 16 मार्च को जब ये आई थी, दिसंबर चल रहा है। और क्या क्या सोचा इंजन के अंदर ट्यूनिंग? अरे 16 इंच पे चला जाऊंगा 18 से, 16 इंच के अंदर लो प्रोफाइल टायर ठीक है, और यूं डाउन हो जाएगी, मतलब भगाने के लिए कुछ की अगर भगा सके। डाउन करवाऊंगा इसे, कोबरा सस्पेंशन, हां स्टेज 2 ट्यून रिमैप। तो यार एक चीज और क्लियर करनी है, जैसे बंदा बोलता है कि भाई अलॉय जब बाहर निकाल देते हैं ना हम काफी ज्यादा, जैसे 18 इंची है ना मेरी गाड़ी में, 17 इंची है, 16 इंची कंपनी आते हैं, तो मेरे को यार ये थोड़ा दूर करो कि 18 इंची के बाद जब बंदा भगाता है गाड़ी 100-120 तो उसे भगानी चाहिए ये क्या लैग होती है? नहीं भगानी चाहिए, नहीं भगानी चाहिए ना। अभी ये सिर्फ मैंने गाड़ी ऐसी रख रखी है हमारी, मतलब ऐसी चलती है दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही चलती है, दिल्ली में रोहिणी में ही चलती है ठीक है। हां बाकी प्लान बन रहा है लेके जाएंगे कहां पे, पहाड़ों में लेके जाएंगे। बढ़िया यार, चलो बाकी भाई का कुनाल 9868 है, भाई को जरूर फॉलो करना यार, बहुत मेहनत करी उसने गाड़ी के ऊपर, मेहनत से ज्यादा टाइम दिया है गाड़ी को, रैप मतलब बहुत टाइम लगता है, कितने दिन लग गए थे रैप को? मेरी पूरी टोटल गाड़ी में 4 दिन लग गए थे पूरी, 4 दिन क्योंकि डेंट से, एक दिन डेंट में गया, एक हाँ। दिन पेंट सूखने में गया हाँ। और 2 दिन रैप में गए, और अभी भी रैप ना जिस दिन मैंने रैप कराया था उसके अगले दिन बारिश आ गई और मैं 3 दिन के लिए चला गया था बाहर। अच्छा, सारा रैप के अंदर मॉइस्चर घुस गया। चलो कोई नहीं यार, ये तो फिर भी हो जाएगा, वो बोल ही रहे और एग्जॉस्ट में भी शायद कुछ काम कराया था हमने, तो आवाज में फर्क आया था, मतलब मैंने ट्यूनिंग करवाई थी एग्जॉस्ट की, तो एक बार ही साउंड हो जाए है ना, वो लास्ट में करें, हाँ लास्ट में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। और कोई जो चीज ऐसे कराई हो, कार्बन फाइबर लुक, ये डोर गार्ड मतलब अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मैंने क्रोम इसलिए छोड़ा है क्योंकि अलॉय के साथ मैच जा रहा है। तो मतलब 3 शेड्स हो गए इसमें, नाडो ग्रे, क्रोम और ब्लैक, और पूरी गाड़ी में ही यही मिलेगा तुम्हें, और कुछ भी ऐसे इससे अलग नहीं मिलेगा यार। और जो लुक बना के चल रही है, और भाई का आगे नाम है वो तो अच्छा ही लगता है ना कुनाल, तो इसको जरूर इंस्टा पे फॉलो करो यार, बहुत अच्छी चीज़ है। साइडों के जेड है लेकिन फ्रंट का नहीं करा रखा भाई ना, अच्छी बात है, साइडों के भी जेड नहीं है, 50% के ऊपर शेड है, गाड़ी 2 दिन बाद चंडीगढ़ हो जाएगी, 3-4 बार और जाना है। क्या बात है यार, चलो बहुत बढ़िया। बाकी इसका एग्जॉस्ट सुनवाते हैं, और साउंड में जो भाई ने मेरे ख्याल साउंड का भी कुछ करवाया था, इंटीरियर पे चलते हैं, इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं कुछ, जी जी बिल्कुल, और उसके बाद लास्ट में साउंड, हाँ फिर जितना भी टोटल लगा। ओके ओके भाई, चलो चलते हैं अंदर। चलो ठीक है यार कुनाल, अब थोड़ा अंदर का बताओ, वैसे लोगों ने देख रखा है पिछला व्लॉग हमारा, याद हो तो देख रखा है कि क्या क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है, जो चीजें अब नहीं हो ना तो थोड़ा वो बताना कि ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए, है ना, तो बताओ यार। जो स्टार्टिंग से दोबारा बता देते हैं, जिसने पहले वाला नहीं देखा वो देख लेगा, एम्बिएंट K3 ठीक है, उसके बाद 11D मैट्स, आर्मरेस्ट नहीं आया था मेरी गाड़ी में, बाहर से लगवाया था, मतलब कंपनी वाली ओई एक्सेसरी बाहर से लगवाई थी, ठीक है, सीट कवर कंपनी से आए थे, हाँ ना, और उसके बाद ये जो छोटी मोटी एक्सेसरीज होती है, और ये भोले बाबा जी की लगवा रखी है, अरे क्या बात है, ना, और इसके बाद म्यूजिक सिस्टम पे आ जाते हैं पिलर पॉड्स, ठीक है, और इसका स्टीयरिंग कवर भी पिलर पॉड्स के मैचिंग का है, अरे क्या बात है, मतलब पूरी मैचिंग करवा रखी है, बाहर से अंदर से बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन रखा है कि ताकि अलग से ना लगे, है ना। और मैट का बताओगे यार, मैट का तो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है गाड़ी के अंदर, तो मैट कितने के लगे थे और कौन से? 3000 रुपए के लगे थे, 11D मैट्स आते हैं, ये पदान पदान करके कोई कंपनी आती है, आते हैं, ठीक है, तो कैसे है, मतलब ठीक है ना, बढ़िया है, ओके। और कोई चीज भाई, जैसे एसेसरी में तो देखो अच्छा लग रहा है कि छोटी छोटी चीजें रखी हुई है, ये भाई ने टांगा हुआ है, ठीक है, और सिद्धू मूसे वाला भाई का पहले भी था और अब भी भाई ने लगा रखा है, चेंज कर दिया बल्कि, है ना। और बताओ यार, सिद्धू मूसे वाला क्या बात है यार, हाँ। और ये कितने आरएमएस का है, क्या है भाई इसके बारे में? 600 आरएमएस के, मतलब दो वूफर है, नाकामिशी के 1200 आरएमएस, एसएनबी का मोनो है 1500 आरएमएस, एक साउंड बैरियर का एम्प है, वो सारा सिस्टम रन कर रहा है, ठीक है, और विदाउट फाइन ईयर स्क्रीन रन कर रहा है, पहली बता दूं, मतलब ओरिजिनल है, जो कंपनी से कंपनी से जो आती है वो है, और इसके अंदर कोई मशाटे का हाइलो कन्वर्टर भी नहीं है, JBL के कन्वर्टर से चला रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, है ना, तो उसके हिसाब से साउंड चेक करना, और बाकी साउंड के अंदर हम भी एक बार साउंड जल्दी से बता दो यार, एक बार चला के ना, जो ये सारे ब्रीफ दे दूं, ठीक है, प्लेयर पॉड्स, ठीक है ना, ये वो POP वाले हैं, फाइबर वाले नहीं है, ठीक है, उसके बाद एल्पाइन के मिड ट्विटर 2 इंची, 3 इंच के मोको के मिड, उसके बाद पंखो ऑडियो के बड़े ट्विटर, ठीक है, नीचे डोर में, अच्छा, अरे डोर में भी करवा रखे हैं ना हमने, तो MTX के मिड है, जो फ्यूम चीज आई है, और चारों दरवाजों में MTX के मिड है, चारों में MTX है, चारों में MTX, क्या खर्चा आ गया था यार इसके अंदर, MTX और ब्लूटूथ वगैरह, जब MTX लिए थे ना तो मैंने मतलब बहुत मेहनत करी थी, तू मेरे साथ ही था, है ना, तो हमने कम से कम नहीं तो 30-40 जगह पता करा था, तो हमें 15-20 में से एक जगह MTX का पेयर मिला था, वो हमें मिला था 6500 का, जो भी बिल्कुल सच बताऊंगा, और एक जगह से मिला था हमें 5400 का, है ना, और आज ये हैं 11,000, 10,000, 9,000 ऐसे में बढ़ गए बहुत ज्यादा, और वन पेयर है ये, हाँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में यार एवेटार लगा है, ठीक है, एवेटार मेरे चारों में लगे हुए, उसकी कॉस्ट थी कुछ 10-10,500 रुपए, ठीक है, और लेकिन MTX का वन पेयर ही शायद इतने का, अब हाँ MTX का वन पेयर ही इतने का है, 2 पेयर 20,000 रुपए करीब मिलेगा भी नहीं, हाँ मिलेगा तो 9,000 से कम का तो मिल ही नहीं सकता, हाँ ये मिलेगा तो मैं ले लूंगा, हाँ, बाकी ये भाई ने बहुत अच्छी चीज कर रखी है, जब एसी चलता है ना तो घूमती है, मतलब काफी यूनिक सी चीज है, और ये ऐसी है कि यार मतलब मार्केट में आई और
लगवाई ले लिया ऐसे करके, तो अच्छी लगती है यार ये चीजें, ठीक है। तो थोड़ा साउंड हो जाए भाई साहब, है ना। बहुत ही मतलब जेन्युइन था, ठीक है। मैं बहुत गाड़ी में बैठा हूँ, इवन मेरी गाड़ी की मैं अपनी बता दूं भाई, मेरी गाड़ी में जब भाई मैं चलाता हूँ ना, तो मेरे ब्लड ट्विटर ना चुभते हैं, अगर मैं उसको 20-21-22 कर दूँ ना, आवाज है नो डाउट, अगर मैं अपने गेट खोलूंगा ना, डिग्गी खोलूंगा, आवाज है नो डाउट, लेकिन वो चुभते हैं। तो इस गाड़ी की सबसे एक बात पता है, खास बात क्या भाई, कि ये चुभते नहीं है, मतलब कानों को रिलैक्सेशन मिलता है, बढ़िया लगता है सुनने के अंदर। बड़ी बात ये है कि मेरी जितनी भी वायरिंग थी जी, वो सारी खराब हो गई थी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, पेचकस लेके आया था और सारी वायरिंग खुद करी थी, कंप्लीट मोनो से। अच्छा, साउंड बैरियर तक की, और दोनों तो मतलब इतनी नॉलेज है, दोनों की ट्यूनिंग मैंने खुद कर रखी है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत लोगों को आता नहीं है मेरे ख्याल से। और ज्यादातर बंदे ना एक वायरिंग के लिए 500-600 हज़ार रुपए आजकल मार्केट में इतने लोग बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता है कार कल्चर जो है रोहिणी का, हर जगह का मॉडिफिकेशन का, वो इतना ज्यादा बढ़ गया भाई कि हर कोई बंदा आज के टाइम में काम करने के लिए बैठा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हें इतने जो छोटे छोटे काम है ये तो आनी ही चाहिए गाड़ी के अंदर, गाड़ी रखने और लेने से पहले। सीएनजी गाड़ी के अंदर इतना शायद ना देखा हो कभी, बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी फिटेड सीएनजी के बाद। हाँ, क्योंकि एक पूरा ट्रे और हर चीज को एक मेंटेनेंस करके बनाया गया है, हर चीज को, भाई सीएनजी को भी इफेक्ट ना पड़े, ऊपर आवाज भी बढ़िया है, अच्छा भी सारा था, क्योंकि बिल्कुल उसमें ज्यादा होता है हैचबैक के अंदर, और कॉम्पैक्ट हैचबैक जैसे ये होती है, इसके अंदर कभी इतना बेस में देखा होगा कि ये तक नाच रहा है इधर उधर। हाँ बिल्कुल, ये हाँ। बहुत जो बात है भाई, बिल्कुल सच है, ठीक है। और कोई चीज यार जो तुम इन फ्यूचर तुमने सोची है, जैसे इंजन का बताया, अंदर का कुछ सोचा है यार तुमने, क्योंकि देखो अभी ये सारा कंपनी का ये, ठीक है ना, और ये अभी तक किसी ने भी नहीं करवा रखा। हाँ, इसके अंदर भी मैं कुछ लेके आऊंगा, है ना, और यहाँ ये भाई ने पैसेंजर प्रिंसेस लगवा रखा है, इसका भी रीजन है, ठीक है। चलो और आता भाई जी, है ना, और वेलवेट सीट कवर्स जो होते हैं प्रॉपर रेसिंग वाले, बकेट फिटिंग वाले, बिल्कुल, क्या बात है, ये भी चेंज। अच्छा, ये भी चेंज, मतलब इन पे सब पे काम कराने की सोची है अच्छी। हाँ, और इसके ऊपर जो मैं करवाऊंगा वो भी ओनली मेड इन इंडिया होगा। क्या बात है यार, मतलब बहुतों ने करवा रखा है लेकिन कुछ यूनिक। इसके ऊपर जो मैं करवाऊंगा, सारे कार्बन फाइबर करवाते हैं, है ना, कोई मार्बल लुक में करवा लेता है, कोई किसी में करवा लेता है, ठीक है, है ना, तो हम कुछ और करेंगे। क्या बात है यार, चलो भाई जरूर इन फ्यूचर हम इस चीज का आपको लाएंगे सबके सामने, ठीक है। बाकी नाडो ग्रे कलर जो गाड़ी पे है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि नाडो ग्रे कैसा लग रहा है कलर गाड़ी के ऊपर, ठीक है। और ये वन एंड ओनली इन इंडिया 2023 बलिनो है हमारी, बिल्कुल शान से भाई सीना ठोक के बोल सकते हैं, न्यू एज बलिनो, न्यू एज गारंटी है, अगर इससे बढ़िया मिल जाएगी जो बोलोगे वो करूंगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है भाई। हम भी ऑनलाइन रहते हैं, हमने खूब इंस्टाग्राम चलाया है, एग्जॉस्ट रह गया, एग्जॉस्ट आएगा, चलो एक बार एग्जॉस्ट की साउंड और सुना देते हैं, पहले ऑफ पे सुनाएंगे, हाँ, फिर ऑन करके सुनाएंगे, बिल्कुल, चलो यार एक बार, ठीक है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, जो तुमने उसे ट्यून कराया था वो काम कर गया, मतलब है ना, पहले से तो बहुत ज्यादा है। और ये सीएनजी गाड़ी है भाई, सीएनजी गाड़ी में कहते हैं कि काफी ना दब दब के आवाज आती है, लेकिन मेरी बिल्कुल खुल के आ रही है, बिल्कुल के आ रही है। चलो यार, थैंक यू सो मच अगर ब्लॉग यहाँ तक देखा। बाकी ये हमारी बलिनो 2023 जो इसका ऑनर है कुणाल, और इसको जरूर मैं कह रहा हूँ भाई फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपना, और गाड़ी कैसी लगी आपको जरूर कमेंट में बताना है भाई, ठीक है। बहुत टाइम बाद ब्लॉग इंस्टा पे जरूर जाना, इंस्टा पे जरूर जाना भाई, हाँ, रील भाई को लाएंगे साथ में, ठीक है, बिल्कुल, दोनों की मिलेगी, वो हमारी वेन्यू है उसका जरूर लाएंगे, लेकिन कुछ टाइम 2024 मार्च के अंदर, ये भी मेरी गारंटी, इससे बढ़िया वेन्यू बना के दिखा देना। चलो ठीक है यार, बाकी दोनों गाड़ी आपको हमेशा साथ में मिलेगी भाई, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेक्सी, और थैंक यू सो मच अगर ब्लॉग यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच।